एक कमेंट आया हुआ था मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि अपलाइन मार्केटिंग प्रेशर इंडस्ट्री बहुत में ज्यादा अपलाइन था। जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं डाउनलाइन को कि आप काम उन्होंने कमेंट करिए, डाला हुआ था ये। एक तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बननी चाहिए कि प्रेशर क्या होता है और अपलाइन प्रेशर क्यों बनाते हैं और प्रेशर का बेनिफिट क्या हो सकता है और लॉस क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं द नेटवर्कर्स एश्योर पॉइंट नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक प्रॉपर अवेयरनेस देने की कोशिश करता हूं। और मेरा यही मेन उद्देश्य है कि जितने भी नेटवर्कर्स हैं या MLM इंडस्ट्री में वर्क करते हैं उनको सही एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और नेटवर्क मार्केटिंग, प्योर नेटवर्क मार्केटिंग जो होती है या फिर जेन्युइन कंपनीज और फेक कंपनीज के बीच में एक डिफरेंस क्या होता है उसको मैं आपसे शेयर करता हूं कि कैसे आप MLM की जो फेक कंपनी है और जो जेन्युइन कंपनी है उसको डिफरेंशिएट करके एक अच्छे से सही डिसीजन ले सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी में जा करके वर्क करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको प्रेशर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया कि मैम ने कमेंट किया था कि प्रेशर बहुत बनाते हैं अपलाइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। तो हम लोग इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि क्या ये बात सही है कि अपलाइन प्रेशर बनाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अगर ये बात सही है तो कितनी हद तक सही है, या अगर प्रेशर बनता है तो क्यों बनाना ज़रूरी है, या फिर क्या ये ज़रूरी है कि हम प्रेशर में ही वर्क करें, या फिर हम बिना प्रेशर के भी हम वर्क कर सकते हैं, या फिर अगर कम समय है और बड़ा अचीवमेंट लेना है तो क्या जरूरी है कि प्रेशर होना चाहिए या फिर प्रेशर में काम करना चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना कोई प्रेशर वेशर ना रहे हमें और कोई अपलाइन हमारे ऊपर प्रेशर दबाव ना बनाए और हम फ्री माइंडेड होकर के काम करें, जब मर्जी तब काम करें और उसके बाद एक अचीवमेंट आए, उसके बाद एक अचीवमेंट आए और टारगेट के लिए हम वर्क करें। तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखना ये कि पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट मतलब ये कि अगर आपका अप्लाइन सही है, अगर आपकी अप्लाइन की इंटेंशन अच्छी है, हमको कंपनी के साथ साथ अप्लाइन भी चेक करना पड़ता है। मेन बात यह है, अगर कंपनी बेकार है अप्लाइन अच्छा निकल गया तो आपको वो बेड़ा पार लगा देगा, लेकिन अगर कंपनी बहुत बढ़िया है अप्लाइन खराब निकल गया तो कितनी भी अच्छी कंपनी हो वो आपको आगे तक नहीं ले जा सकता। तो अप्लाइन का फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपलाइन की अगर मैं बात करूं, अगर आपका अपलाइन ऐसा है जो कि एक्टिव है, आपके संग फील्ड में जाता है, वर्क करता है, उसके बाद आपको एक अच्छी लर्निंग्स देता है, आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखता है, आपके संग मिसबिहेवियर टाइप का कुछ नहीं करता है, आपको गलत इंटेंशन टाइप का उसके संग कुछ नहीं है, आपके संग प्रॉपर लग करके काम करता है, आपको चीज़ों को सिखाता है, ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस दिखाता है कि कैसे वर्क करना चाहिए, आपको अगर सारी चीज़ें बताता है सही सही और उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है आपके साथ, तो बेशक आप उसको ब्लाइंड फॉलो कर सकते हैं और वो जैसा बोलता है आप उसको करिए, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। अगर वहाँ पे आप दिमाग लगाए तो आपका बिजनेस जहाँ जीरो से इतना आया था वो जीरो से और नीचे चल जाएगा। तो दिक्कत ये है कि जब अपलाइन बढ़िया मिलता है तो डाउनलाइन खराब मिलता है, और जब अपलाइन अच्छा नहीं मिलता तो डाउनलाइन लग बाई चांस उस गलत अपलाइन के नीचे अच्छा डाउनलाइन चला जाता है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। अब ये सारी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ तो कुछ फ्रेशर्स ऐसे होंगे जो कभी नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क नहीं किए होंगे और मेरे इन सारे प्रॉब्लम्स को देख करके वो सोच होंगे कि मतलब भाई इतना सारा प्रॉब्लम्स कहाँ से आ गया,
मतलब कि अब ये सारी प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब कि MLM में नहीं काम करना चाहिए, ये खराब इंडस्ट्री है। तो भैया ऐसा नहीं है, हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, चीज़ों को झेलना पड़ता है, तब जा कर के पता चलता है कि गेम को खेलना कैसे है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आपके संग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे वर्क लोड कम हो। और बिना प्रेशर के एक हीरा हीरा नहीं बन सकता, तो भैया एक इंसान कैसे एक अच्छे अचीवमेंट पे जा सकेगा। अगर हीरे की बात करें, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा मैक्सिमम लोग का सपना यही होता है डायमंड बनने का। वो तो मान लीजिए एक लेवल हो गया, एक पोजीशन हो गया, जो कि डायमंड बनने का एक व्यक्ति का सपना है। लेकिन जो ओरिजिनल हीरा होता है, जो कोहिनूर वाला डायमंड होता है, जो तिकोना शेप में होता है, तिकोना भी नहीं होता है, उसका कुछ अलग ही शेप होता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो ज़मीन से 160 किलोमीटर की एकदम गहरी मतलब खदान में एकदम दबा होता है। वो उतना दबने के बाद जा कर के वो निखर करके आता है, मतलब कि कितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस हीरे के ऊपर आप समझ सकते हैं। तो उस खदान को खोदा जाता है, उसके बाद फिर उस खदान में से हीरे को निकाला जाता है, फिर उसको रगड़ा जाता है, पॉलिश किया जाता है, उसको मतलब ओरिजिनल हीरा है कि नहीं है उसको फिर से 100 टन के मतलब प्रेशर में मतलब डाला जाता है, ये चेक करने के लिए कि भाई ये टूटता है कि नहीं। अगर टूट गया तो ग्लास है, अगर नहीं टूटा तो मान के चलो कि ओरिजिनल कोहिनूर का जो हीरा निकलता है वो है। अगर टूट गए, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रेशर मिल रहा है, अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग का जो अपलाइन है वो आपके लिए चिंता कर रहा है, अगर आपको अपलाइन ये बोल रहा है कि आप आगे बढ़ो, अगर आपका अपलाइन ये कह रहा है कि आप काम करो, अगर आपका अपलाइन ये कह रहा है कि आप सेल क्लोज करो, अगर आपका जो आप जिस भी किसी कंपनी में होंगे, अगर आपका अपलाइन ये कह रहा है जो 3 महीने का जो क्वालिफाई करने के लिए आता है टारगेट, चाहे वो गोवा का हो, चाहे वो मनाली का हो, चाहे नैनीताल का हो, चाहे वर्ल्ड टूर हो, चाहे जो भी टूर हो, अगर उसको क्वालिफाई करने के लिए प्रेशर हमको झेलना पड़ता है, झेल लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रेशर खराब नहीं है, ये प्रेशर बहुत ही अच्छा है, इसको झेल लेना चाहिए, क्योंकि झेल लोगे तभी तो जा कर के उस गेम को खेल लोगे। तो ये अगर प्रेशर हम झेल लेते हैं तो गेम खेलना हमको पता चल जाता है कि भैया एक दिन में 100 प्लान कैसे होता है, ये भी पता चल जाएगा कि भैया एक दिन में हम कितने अचीवमेंट ले सकते हैं, या फिर अपनी पूरी स्टेटस पता चल जाएगी कि हमारी औकात कितनी है, कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। एक तो पॉइंट ये था कि हम अगर अपलाइन अच्छा है तो अगर वो प्रेशर देता है तो बेहतर है, सही है, ये इंटेंशन कोई ख़राब नहीं है उसकी, वो अच्छा है, इस चीज़ को फॉलो कर लेना चाहिए। इसमें अगर आप दिमाग लगाते हैं तो ये आपकी गलती है कि आप इस चीज़ के अंदर में आप दिमाग अपना लगा रहे हैं और अपना काम खराब कर रहे हैं। अपने ही पैर पे जब आप कुल्हाड़ी मारेंगे तो आपका आप ही का पैर कट जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके अपलाइन का इंटेंशन ख़राब है, अगर उसका कैरेक्टर ही ख़राब है, दुनिया भर को लेक्चर देता है कि कैरेक्टर सुधारो, अपने ही जाकर के दारू सिगरेट लड़केबाजी करता है, तो अगर ऐसे नेचर का है, दूसरी चीज़ अगर वो फोर्स करता है, प्रेशर नहीं देता, मतलब ज़बरदस्ती कोई काम करवाना आपसे चाह रहा है, कंट्रोल फ्रिक्स बिहेवियर उसका है, अब कंट्रोल फ्रिक्स मतलब कि पूरी तरीके से आपके ऊपर उसका नियंत्रण हो जाए, ऐसे व्यक्तित्व का वो अगर व्यक्ति है। दूसरी चीज़, अगर वो ऐसा है कि मतलब आप कुछ भी करते हो तो उसमें नुस्ख निकालता है गलत इंटेंशन से, एक होता है कि हम कमी निकालते हैं, दूसरा होता है कि वो नुस्ख निकाल करके टीम ही के सामने आपको निगेटिव प्रमोशन आपका करता है, ऐसा मतलब गलत इंटेंशन वाला। तो ऐसे तरीके के अगर अप्लाइन के चंगुल में आप फंस चुके हो, अगर आप एक अच्छे लीडर हो, आप जेन्यूनली आप अगर अपने अंदर से एक जेन्यून पर्सन हो और आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पर्सन खराब निकल गया है या अप्लाइन गड़बड़ हो गया, तो हम कहाँ से, हमारा करियर कहाँ से सेफ होगा। अगर ऐसा व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती वाला प्रेशर दे रहा है तो वो प्रेशर नहीं लेना चाहिए,
इस केस में हम एक ही काम कर सकते हैं कि उस अप्लायंस को लात मारिए, अगर कंपनी खराब है तो कंपनी को भी लात मारिए, अगर कंपनी अच्छी है तो उस केवल पर्टिकुलर अप्लायंस को लात मार करके एक अच्छे अप्लायंस के संग आप जा करके वर्क कीजिए। तो ये अगर सिचुएशन है तो उस केस में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप प्रेशर झेलिए, क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन ही गलत है उस अप्लायंस की। अगर अप्लायंस अच्छा है, अगर अच्छी आपके लिए सोचता है, आपको चीज़ों को बढ़ाने के लिए सोचता है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचता है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर प्रेशर आ रहा है झेल जाओ, तभी आपको पता चलेगा कि गेम नेटवर्किंग का खेलते कैसे हैं। जब नेटवर्किंग का गेम खेलना हो तो झेलना भी सीख जाना पड़ता है, नहीं तो फिर तैयार रहिए यही बोलने के लिए, हम भी नेटवर्किंग किए थे 5 साल 10 साल, होता होता कुछ नहीं है, घर पे बैठे हुए हैं चुप मार के। तो ये आप बोलना सीख जाइए। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको कड़वी थोड़ी सी लगें, हो सकता है कुछ मीठी भी बात लगें, लेकिन अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ अगर ठीक करनी हो तो हमको करेला खाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कि हम मिठाई खाते हैं। अगर मिठाई खाएंगे तो हमारा डायबिटीज़ और बढ़ जाएगा, नहीं तो करेला खाएंगे, कड़वी कड़वी चीज़ें घोट पियेंगे, जड़ी बूटियों के कड़वे घोट पियेंगे तो डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो डायबिटीज़ जैसे ठीक करने के लिए हमको कड़वे घोट पीने होते हैं, उसी तरीके से लाइफ के या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो कड़वी चीज़ें हैं, कड़वे घोट या फिर कड़वी मेडिसिन, उसको हमको पीना जरूर पड़ेगा। बिना पिए सफल नहीं हो पाएंगे और मीठे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। अगर मीठे कर्म करेंगे तो फिर कड़वे रिजल्ट मिलेंगे, अगर कड़वे कर्म करेंगे तो मीठे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी प्रेशर को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने टीम में शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क कर रहे हैं और जो इस चीज़ ये प्रश्न जिसके माइंड में आता हो, और पर्टिकुलर जिस व्यक्ति ने कमेंट किया था उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि माता जी आपको शेयर कर सकते हैं इसको, तो ये सारी चीज़ों को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी ये प्रॉब्लम या उनके ये मन के डाउट क्लियर हो जाए। तो और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।